है और आज खास दिन क्या है वो आपको थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं उठ के नहा के तैयार हो चुकी हूँ और मेरे पति देव भी तैयार हो गए हैं क्योंकि खास दिन सबसे ज्यादा उनके लिए है। क्या है बताओ, चल बताती हूँ। तो इस मानस का आज जन्मदिन, इस वजह से पूजा करने आए भाई साहब, जबकि मैंने रात को बोला था कि नहा धो के पूजा करोगे, तो आज सही 1-2 महीने बाद पूजा की है तुमने। वैसे पीछे कहाँ की थी, कब की थी, एक दिन की होगी, स्टार्टिंग में की थी बस, तब वो जोश जोश में कर ली थी उसके बाद। हाँ, और मैंने ये टी शर्ट ना गिफ्ट की है, अच्छी लग रही है ना। आगे के गिफ्ट लेने हैं नहीं लेने? मजाक कर रही हो क्या? हाँ मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रही हूँ। मैं भी बताता हूँ, लेने हैं नहीं लेने? शादी की पहली रात याद है, लड़का लड़की के लिए गिफ्ट लेके आता है, लड़की लड़के के लिए गिफ्ट लेके आती है, हमें ऐसा सीन पता नहीं था। मैं किसी तोहफे से कम थोड़ी ना मिली। ठीक है, किसी ने सही कहा है, अच्छी पैकिंग में ना सामान खराब ही निकलता है। ज्यादा बेइज्जती हो गई। ठीक है आज के लिए चलो, खाना बनाना है, भैया आ रहे होंगे। तो चलो, आज का दिन कैसा रहता है ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। वैसे आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। अभी बन रहा है चिली पनीर, भाई साहब की कुछ ज्यादा ही डिमांड में, वैसे भी चिली पनीर सबको पसंद आती है। बोल तो रहा, भाग सुधर गए तुम्हारे, चुप रहो, भाग सुधर गए तुम्हारे, सुधर गए ज्यादा ही बुरे। अभी आलू बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, समझ में आ गई, डाल दूंगी इसी में मिर्ची नमक ज्यादा। मैं चिल्ली पनीर बना रहा हूँ, तो डाल दूंगा। चलो चलो जल्दी काम करो, लाओ दे दे। तो बाद में अभी हम दिखाते हैं रेसिपी, जब भाई साहब बनाएंगे तब। पहले मैं ही बनाऊँ पनीर में, खाली सिंपल सिंपल चीज डाल के बनाता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल चीज। तो तुम्हें खुद नहीं याद, मेरे से पूछ रहे हो? तुम्हारी चेक कर रहा था। अच्छा, देखा था तुम्हें याद है कि नहीं है? मैंने देखा भी नहीं था, मैं अपना काम कर रही थी। मैंने सिर्फ इसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, दो बड़ी टमाटर, बस यही डाल के और पनीर डाल के बताऊंगा। चलो ठीक है, देखते हैं कैसी बनती है पहले। तेल को देख लो गरम कितना है, तेल गरम हो जाए, धुआं थोड़ा देने लग जाए, ठीक है, जैसे अभी ये दे रहा है, तो आँच को थोड़ा धीमी करके और प्याज, साथ में प्याज भी, हाँ प्याज भी साथ में डाल दो, कोई फर्क ना पड़ेगा। पहले प्याज डाल लो या शिमला मिर्च डाल लो, कोई फर्क ना, एक ही बात है। कुकिंग करेंगे ना इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ढकने वाला दूँ? हाँ लेट दे दे। टमाटर काट लो, पौधे के लिए टमाटर चेक भी कर लेने चाहिए हमें, जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा खराब है, काला स्पॉट है, इसको थोड़ा सा काट के चेक कर लेंगे। यही हम चेक कर रहे थे कि शायद खराब हो सकता है, इसको काट के अलग कर लेंगे खराब हिस्से को। और उसका कलर कैप्सिकम का जो है शिमला मिर्च का, वो थोड़ा हल्का लाइट हो गया है। अभी इसको थोड़ा देर हम एक बारी और ढक के रख दो ना। हाँ एक बारी और ढक के रखेंगे, अभी मिक्स करके कि ऑयल सब जगह बराबर लग जाए और वो कुक हो जाए। मुफ्त की एडवाइस, तू पति कमाने वाला भी होना चाहिए और खाना बनाना भी जानता हो। नहीं यार, नहीं ये एकदम सही है, वो फेमिनिज्म की ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। दोनों साइड ना, दोनों लोग चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, पकड़ो तुम्हें अपना काम करो, दोनों को ही एक जैसा होना चाहिए, दोनों ही मतलब दोनों को हर तरह के काम करने आते हो, कि अगर वाइफ मान लो अगर कोई कैजुअलिटी है कुछ भी है कोई प्रॉब्लम है तो हस्बैंड पूरा काम नहीं, कर ले। हाँ हाँ, मैं कहने का तात्पर्य ये, तो तुम लड़ क्यों रही हो? नहीं मैं लड़ नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि इंसान जब ढूंढे तो ये भी देखे कि लड़का कमाता है वो तो अच्छी बात है, साथ में खाना भी बनाना जानना चाहिए। और लड़का लड़की में क्या देखे थे मैडम, ये भी बता दीजिए सब कुछ, जब आप बता ही दे रही है तो ये बात बताने की नहीं होती, लड़की मिल जाती है वही बहुत बड़ी बात होती है। हम तो भूखे नंगे हैं कुछ भी यार।
पता चक्कर क्या है, लड़कों ने ना अपनी सेल्फ वर्थ को खुद ही साला मार रखा है। नहीं तो लड़के अपने पे आ गए ना। हाँ। बिगाड़ रही हो मत जवानी में, फिर बोलोगी मेरे को। ओ भाई साहब कंट्रोल, मैंने तुम्हें कब बिगाड़ा है? रहने दो तुम। वैसे बात तो सही, मैंने तुम्हें बिगाड़ के तो रख रखा है। हाँ, वो तो हमें पता है ना, जब ही तो। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल इस वजह से नहीं करते कि मस्त इंसान जी रहा है, उसकी जिंदगी वो क्यों नरक जैसा बनाए, उसकी जैसा जी रहा है वैसा जीता रहे। क्या चाहती हो जो जी रहा है वो भी खत्म हो जाए? क्या चाहती का हमसे, जीवन से क्या करे? आदमी का जीवन ही व्यर्थ है साला, सच बता रहा हूँ। लो पकड़ना पकड़ना, इसलिए इसको मैं चेक कर लूँ। कलर भी देखो, कलर भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें डालेंगे मसाले। इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं? देखो मसाले मैं बताऊंगा, लेकिन तुम हंसना मत, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन से ना बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ठीक है, तो हंसना मत। देखो मैंने सबसे पहले इसमें तुम्हारे सामने लाल मिर्च डाली थी, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद हल्दी डाल दी थी मैंने। ठीक है ना, हल्दी डालने के बाद फिर क्या डाला था मैंने, फिर मैंने पनीर का ये वाला शाही पनीर का मसाला डाला था। ठीक है, शाही पनीर के मसाले के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला और फिर सब्जी मसाला भी, और उसके बाद किचन किंग जो होता है सब्जी मसाला, और थोड़ा सा वो डाला था, बहुत थोड़े थोड़े क्वांटिटी में वो डाल रहा होता है सांभर मसाला और ये करके। टमाटर इसमें डाल दिए हैं, अब इसको थोड़ी देर ना चलाएंगे जैसे कि मसाले में कुछ, और नमक अभी तक मैंने नहीं डाला है, नमक डालता हूँ मैं सबसे। गैस को थोड़ा कम करो क्योंकि दांत आ रहा है। नहीं, गैस बिल्कुल स्लो पे ही है। नमक सबसे मैं बाद में डालता हूँ, नमक पहले नहीं डालता। ठीक है जनाब, तो अब ये बन रहा है, हम अपनी सब्जी बनाते हैं। थोड़ा सा हम टमाटो सॉस डालेंगे। डलेगी चीनी, चीनी डल गई, और अब इसमें डालेंगे हम नमक, एक मिनट में इसको चला के। ठीक है चलाओ, ये ऐसा मिक्स करके ऐसा दिख जाता है ना थोड़ा सा, उसके बाद फिर नमक डाल देंगे इस तरीके का, कुछ मिक्स हो जाए ना। हाँ ऐसा। अब इस पर नमक डालो। हाँ, अब ये पिंक पिंक सॉल्ट डाल देंगे इसमें। ठीक है, पिंक सॉल्ट में जो भी आप खाते हो अपने घर में। हाँ, मतलब कोई भी टेबल सॉल्ट होता है, NaCl, कुछ भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद पनीर कितनी देर में? पनीर बस अब तुरंत डालेंगे। तो पनीर पहले काटो। काट दो यार, इतनी जल्दी काटूं? बर्थडे बॉय हूं मैं। अच्छा अच्छा, काट दियो, रो मत भाई। अब ना आए। ठीक है ठीक है, मैं गाना बना रहा पर रहते चलो मेरे हमारे संग हम तो ना। टी शर्ट पहना, ये नई बकवास नहीं है। हम तो पहले नंगे रहते हैं, टी शर्ट पहना ही है। चलो चलो मैं पनीर काटती हूँ, तब तक देख लो दाढ़ियों है सारी। हाँ, ये पनीर है इसमें, जिससे कि ना थोड़ी देर इसमें इसको ना छोड़ देंगे मिक्स करके, फ्लेवर जो है ना इसमें बैठ जाएंगे। हाँ, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, है ना? तो बनने के बाद दिखाऊंगी अब लास्ट में। अब तो हो गया, आप कुछ नहीं डालना। हाई फ्लेम पे पकाओगे ना तो क्या है कि पनीर और ये जो है ना थोड़ा वैसा और फटाफटा सा हो जाएगा, और अगर स्लो फ्लेम पे पकाओगे ना तो इंटैक्ट रहेगा। चलो तो बनने के बाद अभी मैं दिखाऊंगी, 10 मिनट के लिए ये गया रेस्ट पे, आप भी जाओ पसीना सुखाने। हाँ, हो गया है, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लो कैसा है ये खाने में। हो गया है, कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, है ना? हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा धनिया पत्ता और डालो। अभी धनिया पत्ता, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल। लाओ टेस्ट तो कराओ। देखो पता नहीं खांसी आ रही है बहुत। तुम करो पहले अपना। नहीं मैं नहीं कर रहा। तो खाने में बढ़िया है, नमक मिर्ची सब बढ़िया है एकदम। ये बन गया है। ठीक है ठीक, काटो, फोटो खींचो भैया, बैठ ही जाओ, इधर बैठ जा, बैठ ही जाओ। अरे यार संभाल, अरे इधर बैठ जा ना, यहाँ का छुपा ले बाल।
ऊपर रखना, ऐसे करके ऊपर रखना। वो कैंडल भूल गई यार पूरी, तो मैं ऐसे ही बचा दी। बैठ जाओ काट लो। हैप्पी बर्थडे टू मी। गाना तो देख सामने है, गाना भी गाना होता है। चला ले चला ले, हम गाना गाएंगे तो फिर तेरा मुंह खराब हो जाएगा। चीज सर करता लो एक गाएंगे। हाँ तो लो यार, ये बारी बारी से खा लो, कोई बात नहीं है। तो अब तो तुम्हारा काम हो गया, अब केक मंगाने की जरूरत नहीं है, अब ना मंगाऊं है ना। तो हमने मंगाया ना, सही बात है, नाम तो वही रहेगा, दोबारा इसे काट लेंगे ज्यादा वो होगा तो, है ना। एक बार हो गया काफी अब। सो केक कटिंग हो गई थी, खाना खा लिया था, तो ये सब लोग चले गए हैं कहीं बाहर। अभी मुझे खाना है तो मैं अब अपना खाना खाती हूँ, क्योंकि बनाते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया था। तो चलो फटाफट से खाना खाती हूँ, चेक करते हैं कैसा बना है। ये भाई औरत ने, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था मजाक में। अबे तू पागल है क्या? तुमने बोला था ना। अभी तो तुमने सही में मंगा लिया बेटा। हम्म, बड़ी पागल है भी, इतना महंगा आया होगा ये केक। बेबी हो गया ना सुकून? कल जब से कहने लगे ना, मैंने कुछ दिया नहीं, दे दिया आप तो खुश। तो सरप्राइज तो फिर भी दिया, पेमेंट तो मेरे को करनी पड़ी है अभी गेट पे। तो क्या टाइमिंग पे आ गए, मैं क्या करूं? मैंने तुम पता है अभी क्या हुआ, ये मैडम इसका पेमेंट कर रही होंगी गेट पे, डिलीवरी बॉय आया, मैं जब तक ऊपर आ गया जब तक डिलीवरी ले रही है, मेरे सामने ले रही है। डिलीवरी बॉय को देने के लिए पूरे पैसे नहीं हुए, तो फिर मेरे से पेटीएम करवाया है। पैसे था मेरे पास, ठीक है, उनके पास चेंज नहीं था, मेरे पास था अभी रखा है मैंने। तो गए तो मेरे ही पैसे। चेंज नहीं था उसमें, गलती मेरी नहीं थी। नहीं नहीं, मेरे पास तो पूरा पैसा था। ये नहीं बन रहा है, 70 रुपए गए हैं तुम्हारे पास से, बस उसकी जगह 100 का ले लो। दे दो, दिक्कत नहीं है, मुनाफे का सौदा है। चलो तो अपना गिफ्ट खोलो और देखो कैसे है परफ्यूम, पता नहीं क्या हुआ। तुमने मेरा जेंडर नहीं देखा, जेंडर क्या है? पहला बेटा मंगा क्या, ठीक है, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो इसको सबके नीचे। अभी तक नहीं, मैं दिखा रही हूँ, वो तो पढ़ लिया मैंने, इडियट दिया गलती से। दिया क्या, चलो कोई नहीं, फिर भी लगा लेंगे, लगा लेगा। चलो यार, मैंने इतने तो लगाए हैं तुमने विमेंस के। विमेंस का कौन ही नहीं लगाया मैंने, मेरा ये वाला जो है विमेंस का ही तो है जो लगाते हो। कौन सा? वो वाला जो मेरे को कुलैब में मिला था, जो सबसे पहले मैंने तुम्हें दिया था। इसका नहीं है, यूनिसेक्स है वो। खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छी? हाँ, और पता है खुशबू बचपन की याद दिला रही है किसी की। हम जब ना बहुत छोटे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, तो जो हमारी क्लास टीचर थी ना, जब वो आती थी तो कुछ ऐसा ही प्रेगनेंस आता था उनसे। पता नहीं ये लेट चलती है मेरे ख्याल से। बता तो तू कहाँ जा रहे हैं पहले। हाँ, बता दिया ना। कहाँ? या कहाँ जा रहे हैं हम? 18 चलो चलते हैं। 18 में कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। अच्छा, हम ये करें। अब जी गिर गए तो लड़केंगे सीधे के सीधे, चार चार बाइक पे। और चला कैसे रहे हो, देख रही हो? चला कैसे रहे भाई साहब?
कैसे कैसे लोग हैं वाकई में, तुम मत उड़ाओ उसकी दिल। नहीं बच्चे सत्य बात है, वो बात उसके दिल पे लग गई है। गया था कितना रो रोहा पीटा था तब जाके, तो गया था तू याद कर, दो तीन बार बुआ ने आके बोला जब जाके कोई भी रहना नहीं है ना, तुम पिट के आते रहे हो, कहूं तुम तो मैं मारूंगा, मेरे को तो उन्हीं कैसा लगता है ना। नहीं आया है, कुछ नहीं आया, मे भी ये भी पकड़ ना, ये भी चाय पकड़ लो, गर्म है थोड़ी, ऊपर रख दो, बताओ बताओ मुझे भी पता चले, बताओ एक ही बता दो, मैंने खुद बोल दिया एक ही बता दो। कुछ भी अच्छा नहीं है भाई, नहीं 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 अच्छा, नहीं तो बहुत बताता था तू, ज्यादा बात मत खुल पावे इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी। चलो तो आज का ब्लॉग अब यही खत्म करते हैं, लेकिन हम आपसे मिलेंगे डेली, क्योंकि अब मैं डेली का ब्लॉग अपलोड किया करूंगी, तो देखना ज़रूर, और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।